अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरब के फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में कि ये फैमिली जो विजिट वीज़ा है ये इंडिया के लिए इसका फ़ीस कितना है और कौन से लोग हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं जो अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पर बुला सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको दोस्तों बताया चलें कि जो फैमिली विजिट वीज़ा फ़ीस है इंडिया के लिए वो है 305 रियाल। पहले 2000 रियाल थी दोस्तों, लेकिन कुछ महीने पहले घटाकर इसको 305 रियाल कर दिया गया है इंडिया के लिए। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी 300 रियाल जो फैमिली विजिट वीज़ा फ़ीस है वो होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई हुआ नहीं है, इस चीज़ का भी बताया भी नहीं गया, नहीं पक्का नहीं मालूम कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बताए चलें कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पर बुला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आमिल मंजिली या आमिल आदि या कोई भी प्रोफेशन आपका ऐसा है जिसमें आपका आमिल आता है, वो चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, यानी मिसाल के तौर पर आमिल आदि, आमिल मंजिली या फिर कोई सा भी ऐसा प्रोफेशन जो है जिसमें आपका आमिल लग जाता है, तो फिर आप जो है फैमिली विजिट वीज़ा नहीं पा सकते हैं इसके लिए। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों जो लोग सवा खास हैं वो भी नहीं पा सकते हैं, अगर उनका सवा खास का पेपर है तो वो भी नहीं पा सकते हैं। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, यानी जो अकाउंटर हैं या जो डॉक्टर हैं या जो बैंकों में काम करने वाले बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, यानी जिनके प्रोफेशन में आमिल नहीं आता है, वो सारे लोग फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो पा सकते हैं। बाकी जो जितने भी प्रोफेशन आमिल में आते हैं वो लोग फैमिली विजिट वीज़ा नहीं पा सकते हैं। लेकिन और दोस्तों, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ने अपना प्रोफेशन चेंज करवाया है, यानी मिसाल के तौर पर आपका पहले प्रोफेशन आमिल था, कोई सा भी आमिल यानी आमिल आदि या कोई सा भी था आपका प्रोफेशन, और आपने बड़े प्रोफेशन में चेंज करवा लिया उसको, तो भी आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो ऐसे में आपका जो डाटा होगा वो पूरा चेक किया जाएगा कि आप सऊदी अरब किस वीज़े से आए हैं, तो वहाँ पर फिर आप पकड़े जाएंगे, उस तरह से फिर आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ उन्हीं लोग को ये वीज़ा मिल सकता है जो लोग बड़े बड़े पोजिशन पर हैं, जो लोग आमिल मंजिली हैं या आमिल सवा खास हैं या फिर आमिल आदि हैं, उन लोगों को फैमिली विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता है। तो ये रही दोस्तों एक पूरी जानकारी जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि भाई क्या हम आमिल आदि हैं या आमिल, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन के लोग बताते रहते हैं क्या हमको फैमिली विजिट वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को फैमिली विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता है अगर आपका प्रोफेशन आमिल में आता है, तो वो चाहे आमिल आदि हो या आमिल मंजिली हो, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपका प्रोफेशन आमिल में लग जाता है तो फिर आपको फैमिली विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता है। तो ये रही दोस्तों कुछ ज़रूरी जानकारी फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।